बच्चों कैसे हैं आप लोग। पिछली क्लास में आप लोगों को मैंने बताया था कुछ डाइजेस्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर्स के बारे में, उसी में था डायरिया एंड वोमिटिंग। अब आज हम लोग बातें करने वाले हैं न्यूट्रिशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। ग्रास ईटिंग एनिमल्स में न्यूट्रिशन किस तरह से होता है, ज़रा इसके बारे में भी बात कर लें। काउज, बफेलोज, गोट्स, शीप, जेवराज, कैमल्स आर सम ग्रास ईटिंग एनिमल्स। ये क्या होते हैं बच्चों? ग्रास ईटिंग एनिमल्स ऐसे एनिमल्स जो सिर्फ घास खाते हैं। दीज एनिमल्स रीच यू देयर फूड। ये एनिमल्स अपने फूड को एक बार खा लेते हैं, फिर उस फूड को चबाते हैं। मतलब कि एक बार खा के एक बार निगल जाते हैं फूड को, फिर उस फूड को, निगले हुए फूड को फिर से चबाते हैं। द प्रोसेस इन विच एन एनिमल ब्रिंग्स बैक द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड इन टू द माउथ एंड च्यूज इट अगेन इज कॉल्ड रिमिनेशन। तो बच्चों एक ही फूड को, एक फूड को जो कि पहले उसको निगल गया है तो पार्शली थोड़ा सा डाइजेस्ट होगा, उस पार्शली डाइजेस्ट फूड को फिर से अपने माउथ में ला के और फिर से उसको चबाने की ये जो प्रक्रिया है ताकि वो फूड पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाए, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रूमिनेशन। हुड प्लांट ईटिंग एनिमल्स दैट डाइजेस्ट देयर फूड इन टू स्टेप्स आर कॉल्ड रूमिनेट्स। तो ऐसे एनिमल्स, ठीक ना, ऐसे एनिमल्स जो कि दो स्टेप में अपने फूड को पूरी तरह से डाइजेस्ट करते हैं उनको हम लोग कहते हैं बच्चों रूमिनेट्स। तो ऐसे एनिमल्स जो रूमिनेशन के प्रोसेस यूज़ करते हैं ताकि उनका फूड पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाए उनको हम लोग रूमिनेट्स कहते हैं। रूमिनेट्स हैव अ माउथ विथ अ वाइड ओपनिंग। रूमिनेट्स के पास क्या होता है बच्चों? एक माउथ होता है जिसकी ओपनिंग वाइड होती है। रूमिनेट्स के पास एक माउथ होता है जिसकी वाइड ओपनिंग होती है। दे हैव ब्रॉड पॉइंटेड फ्रंट टीथ टू बाइट द ग्रास इजीली। उनकी जो टीथ होती है, फ्रंट की जो टीथ होती है बच्चों, वो काफ़ी लंबे होते हैं और काफ़ी पॉइंटेड होते हैं, चौड़े होते हैं ताकि वो घास को बहुत ही अच्छे से काट सके। दे हैव पावरफुल जॉ मसल्स एंड ए कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टिव सिस्टम। इनकी जो जॉ मसल होती हैं बच्चों, जबड़े जो होते हैं वो पावरफुल मसल से बनी होती हैं और इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है। रूमिनेंट्स हैव ए स्पेशल स्टोमक विथ फोर चैम्बर्स। इनके पास एक स्पेशल टाइप का स्टोमक होता है जिसमें चार चैम्बर्स होते हैं। दीज चैम्बर्स आर नेम्ड एज रूमेन, रेटिकुलम, ओमेसम एंड एबोमेसम। क्या है बच्चों? इनके पास चार चैम्बर का एक स्टोमक होता है जिनको हम लोग कहते हैं रूमेन, रेटिकुलम, ओमेसम एंड एबोमेसम। रूमिनेंट्स क्विकली स्वेलो द ग्रास वाइल ग्रेजिंग एंड स्टोर इट इन द फर्स्ट चैम्बर ऑफ द स्टोमक कॉल्ड रूमेन। मतलब बच्चों कि बहुत ही तेज़ी से ये लोग ग्रास खाते हैं, घास को खाते हैं और निगल जाते हैं, घास को निगल जाते हैं और वो चला जाता है, वो जो घास होती है बच्चों वो चली जाती है रूमेन में। रूमेन इज़ द लार्जेस्ट स्टोमक एंड कैन स्टोर लार्ज क्वान्टिटीज ऑफ फूड। तो रूमेन क्या है बच्चों? ये लार्जेस्ट स्टोमक है, सबसे बड़ा स्टोमक का पार्ट है ये, और इसमें बहुत ज़्यादा फूड एक बार में आ सकता है। द फूड गेट्स पार्शली डाइजेस्टेड हियर। और धीरे धीरे फूड क्या होगा? धीरे धीरे थोड़ा बहुत डाइजेस्ट यहाँ पे हो जाएगा। दिस पार्शली डाइजेस्टेड फूड इज कॉल्ड कड। मतलब कि यह फूड धीरे धीरे थोड़ा बहुत डाइजेस्ट होगा जिसको कि हम लोग कड कहते हैं। द कड रिटर्न्स टू द माउथ इन स्मॉल लम्प्स एंड द एनिमल कंटिन्यूज टू च्यू इट। फिर धीरे धीरे क्या होता है बच्चों कि ये जो फूड है क्या होगा कि फिर से ये जो कड के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया फिर से माउथ में आएगा और एनिमल धीरे धीरे उसको चबाना शुरू करेगा। द रेटिकुलम कलेक्ट्स स्मॉल पीसेस फ्रॉम रूमेन एंड ट्रांसफर देम टू ओमेसम। फिर जब वो चबा के जब आएगा, जब चबा के वो एनिमल जब फूड आएगा तो किस चैम्बर में जाएगा बच्चों? ओमेसम में जाएगा। रूमेन से किस में जाएगा बच्चों? रेटिकुलम में जाएगा। और रेटिकुलम में कुछ जो स्मॉल पीसेस होंगे वो वहीं पे रह जाएंगे और फिर जो फूड होगा वो चला जाएगा अगले चैम्बर में जिसका नाम है ओमेसम। तो रूमेन में पूरा फूड स्टोर होगा, पार्शियली डाइजेस्ट होगा, फिर वो रेटिकुलम में जाएगा, रेटिकुलम में कुछ फूड कलेक्ट होगा जो स्मॉल पीसेज होंगे, फिर वो फूड ओमेसम में चला जाएगा। द रेटिकुलम ट्रैप्स एंड कलेक्ट्स हैवी डेंस ऑब्जेक्ट्स कंज्यूम्ड बाय द एनिमल सच एज नेल और अ वायर। बच्चों रूमेन से जब फूड रेटिकुलम में जाता है तो कुछ हैवी पार्टिकल्स, कुछ स्मॉल स्मॉल
जो बेकार की चीज़ें हैं, जैसे कि नेल हो गया, जैसे कि वायर हो गया, तो ये सारी चीज़ें रेटिकुलम में ही स्टोर हो जाती हैं, वहीं पे रह जाती हैं, और फूड जब जाता है फिर से चबाने के लिए, तो फिर उस एनिमल को कोई भी परेशानी नहीं होती है चबाने में। द रिच यूड फूड इज स्वेल्ड अगेन, इस चबाया हुआ फूड को फिर से वो अपने अंदर निगलता है। इट बाईपासेस द फर्स्ट टू चैम्बर्स एंड रीचेज द थर्ड चैम्बर कॉल्ड ओमेसम। फिर ये रेटिकुलम से किस चैम्बर में चला जाता है बच्चों? ये चला जाता है रेटिकुलम से ओमेसम में चला जाता है। अब इसके बाद क्या है बच्चों? ओमेसम इज द स्मॉलेस्ट चैम्बर ऑफ द स्टोमक। ओमेसम क्या है बच्चों? कि स्टोमक का सबसे छोटा चैम्बर है। रूमेन क्या है बच्चों? स्टोमक का सबसे बड़ा चैम्बर है। एक्सेस वाटर इज एब्जॉर्ब्ड हियर, मीन्स दैट कि जो ओमेसम है, ओमेसम में ही जो ज़्यादा वाटर जो होगा, एक्सेस वाटर होगा, वो यहीं पे एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। इन द एबोमेसम, अब चौथे चैम्बर की बात हो रही है, इन द एबोमेसम गैस्ट्रिक जूसेस आर सिक्रेटेड एंड डाइजेशन इज कम्प्लीटेड। एबोमेसम में जब फूड चला जाएगा, चौथे चैम्बर में जब फूड चला जाएगा, तो वहीं पे गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रेट होंगी और डाइजेशन वहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। आफ्टर डाइजेशन इन द एबोमेसम फूड फाइनली पासेस टू द इंटेस्टाइन फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। जब पूरी तरह से डाइजेशन हो जाएगा बच्चों एबोमेसम में, तब वो फूड कहाँ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, और स्मॉल इंटेस्टाइन में ही फूड का पूरी तरह से एब्जॉर्प्शन होगा। इट टेक्स मोर देन 3 डेज फॉर द फूड टू पास थ्रू द इंटायर डाइजेस्टिव सिस्टम। क्योंकि इनका डाइजेस्टिव सिस्टम ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, इसीलिए कोई भी फूड इनके बॉडी में पूरी तरह से डाइजेस्ट होने के लिए लगभग 3 दिन का समय लगता है। ज़रा इसके स्ट्रक्चर के बारे में बच्चों बात कर लेते हैं एक बार। ये देखिए क्या है कि ग्रास ईटिंग एनिमल ने ग्रास को यहाँ पे ईट किया, खाया, उसके बाद से ये फूड डायरेक्ट चला गया कहाँ पे? र्यूमेन में, जो कि लार्जेस्ट चैम्बर है। देखिए ग्रीन से दिखाया गया है, र्यूमेन से ये फूड फिर से कहाँ पे आ जाएगा? रेटिकुलम में। रेटिकुलम में स्मॉल पार्टिकल्स यहाँ पे ट्रैप होंगे, फिर ये रेटिकुलम से, ये देखिए रेड से दिखाया जा रहा है, रेटिकुलम से फिर से फूड माउथ में आएगा। माउथ में वो रीच्यू करेगी, फिर से चबाएगी, और फिर वो कहाँ से चला जाएगा? ओएसोफेगस की हेल्प से आएगा। किस में? ओमेसम में, ठीक ना? ओमेसम में आएगा यहाँ पे, और उसके बाद से यहाँ से होते हुए वो एबोमेसम में चला जाएगा। ओमेसम यहाँ पे दिखाया जा रहा है, देखिए कि ओमेसम में फूड आएगा, और फिर ओमेसम से फूड थोड़ा सा डाइजेस्ट होगा, और फिर ये एबोमेसम में चला जाएगा, जहाँ पे कि यहीं पे डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेट होंगी, और फिर ये फूड डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेट होने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाएगा। तो ये होता है बच्चों रिमिनेंट्स में डाइजेशन। अब बात करते हैं बच्चों कि हमारी बॉडी में सेलुलोज का डाइजेशन नहीं होता, लेकिन रूमिनेंट्स के बॉडी में सेलुलोज का डाइजेशन होता है। तो आखिर किस तरह से होता है? तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डाइजेशन ऑफ सेलुलोज। रूमिनेंट्स ईट ग्रासेस विच आर रिच इन सेलुलोज। सेलुलोज क्या है बच्चों? एक कार्बोहाइड्रेट है जिसको कि रूमिनेंट्स खाते हैं, जो और ग्रास जो होती हैं बच्चों वो सेलुलोज रिच होती हैं। सेलुलोज इज़ अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। ये क्या है बच्चों? एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। सर्टेन बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ प्रेजेंट इन द स्टोमक ऑफ रूमिनेंट्स हेल्प इन द ब्रेकडाउन ऑफ सेलुलोज। कुछ बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ इन रूमिनेंट्स के स्टोमक में पाए जाते हैं, जो कि सेलुलोज को ब्रेक डाउन करने में उनकी हेल्प करते हैं। द रिमेनिंग सेलुलोज इज डाइजेस्टेड बाई द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द ये क्या है? केकम, ठीक ना? तो ये जो रिमेनिंग सेलुलोज जो होता है बच्चों, ये बैक्टीरिया की हेल्प से केकम में क्या होता है? डाइजेस्टेड हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। केकम इज ए लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट बिटवीन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ये क्या है बच्चों? के एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, लार्ज बैग लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में पाया जाता है। इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर अदर एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स टू डाइजेस्ट सेलुलोज बिकॉज दे लैक द बैक्टीरिया विच ब्रेक डाउन सेलुलोज। किसी दूसरे एनिमल में या फिर ह्यूमन में ही यह इम्पॉसिबल है कि सेलुलोज डाइजेस्ट हो जाएगा, क्योंकि सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाले बैक्टीरिया रिमिनेंट्स के अलावा और किसी में नहीं पाए जाते।
तो इसीलिए बच्चों उनमें वो लोग सेलुलोज डाइजेस्ट नहीं कर पाते। जरा देखिए यहाँ पे कि स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ है बच्चों, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। और लार्ज इंटेस्टाइन कहाँ पे है, स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ से स्टार्ट हुआ, लार्ज इंटेस्टाइन इधर होगा। तो इसी के बीच में एक बड़ा सा सैक लाइक स्ट्रक्चर होगा जिसको हम लोग कहते हैं कैकम, और इसी में होता है बैक्टीरिया जो कि सेलुलोज को डाइजेस्ट कराता है। तो बच्चों एक टॉपिक और बचा है इस चैप्टर में जिसको कि हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे, और वो टॉपिक है न्यूट्रिशन इन अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अमीबा। तो इसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। तो आज की क्लास बस इतनी ही, क्वेश्चन आंसर्स आप लोग अपने से करते रहिएगा। चलिए।